एक तो रोहन तुम्हारी बड़ी मुसीबत है, एक जगह तुम टिक के ही नहीं बैठते हो, कभी एक चीज तोड़ते हो कभी दूसरी चीज तोड़ते हो। अब तुमने ये ग्लास तोड़ दिया है, अब इसकी किरचियां समेटूं या तुम्हें संभालूं? क्या हो गया, क्यों डांट रही हो? डांट नहीं रही हूं मैं उसे, समझा रही हूं उसको। ऐसे कौन बात करता है फातिमा बच्चों के साथ? मामा आ गई है ना, मामा अब नहीं डांटेगी अपने बेटे को। चलो खेलते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या हम उसे डांटते रहते हैं, ख्याल नहीं रखते इसका? मैंने ऐसे तो नहीं कहा फातिमा, मैं तो बहला रही हूँ उसे। हमें भी आता है बहलाना, तुम्हारे लाडले ने ग्लास तोड़ दिया था, उसी की किरचियां समेट रही थी मैं। अगर उसके हाथ पे लग जाता तो? इसे पहले अंदर छोड़ आती, बाद में हो सकता था ये काम। हद करती हो तुम भी। वाह, सारा सारा दिन तुम पॉलर में रहती हो और रात को जब तुम घर आती हो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा याद आ जाता है। फातिमा काम करने जाती हूँ मैं पार्लर, तफरी करने नहीं जाती। और मैंने तो कहा था कि मैं इसे साथ ले जाऊंगी, भाभी ने मुझे मना कर दिया। भाभी अब मैके चली गई हैं और हम भी सारा दिन यहाँ पे कोई मजे नहीं करते। तुम्हारे बेटे को संभालती हूँ, मशीन चलाती हूँ, साथ किचन भी देखती हूँ। जरा सा कह क्या दिया उसे कुछ, तुमने तो आसमानी सर पे उठा लिया। उठाओ अब ये किरचियाँ सारी खुद ही, और अगर वक्त मिल जाए ना तो आटा गूंद के रोटियाँ भी पका देना सबके लिए। चलो आप खेलो, मामा थोड़ा सा काम कर लें, ठीक है बेटा? किधर, आपके पास है मामा? बेटा मामा आपके पास है? फातिमा, फातिमा देख लो रोहान को। आ गई मेरा बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? मामा आ गई। बस 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 बस, मेरा बेटा मेरा बेटा, मामा आ गई है। उठा नहीं सकती थी, पागल हो गई है। तुम्हारा बच्चा है, तुम खुद ही संभालो। मैंने जितना संभालना था ना संभाल लिया। दिमाग तो ठीक है तेरा? हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा। अब तुम और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे पढ़ने दो। ओए आग लगी है, फातिमा आपना वो किधर हो, देखो किधर में आग लगी हुई है। और बुला आग कैसे लग गई? सजान बेटा देखो आग लग गई, और जल्दी 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 वो फौरन पकड़ बेटा। बड़ी मुश्किल से सोया। अल्लाह का शुक्र है पुत्र, बड़ी बचत हो गई, उसने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। शुक्र है कि किचन में कोई नहीं था, अगर कोई होता ना तो आग लगती ही क्यों? अच्छा ही होता रोटियां मैं खुद ही बना लेती, भला कोई जलता हुआ चूल्हा भी छोड़ के जाता है? हद हो गई है। अच्छा फातिमा बस करो, छोड़ दो इस बात को। सही कह रही है फातिमा, गलती हो गई मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पुत्र ये आग गैस और पानी, इन तीनों चीजों के बारे में बहुत एहतियात करनी चाहिए, जरा सी लापरवाही ना किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा बन सकती है। सही कह रहे हैं अम्मा जी, आप आपने तो कुछ खाया भी नहीं। तो क्या आप जली हुई रोटियां खिलाओगी अब्बा को? चलिए अरमून, सबके लिए ना बाहर से कोई मजे की खाने की चीज लेकर आते हैं। अच्छा ओए पुत्र कोई सदका भी दे देना। जी आ जाओ बेटा। चलो कुड़िये उठो, जाओ जाके शुक्राने के नफल पढ़ो, भूल जाओ सब कुछ, चलो जाओ।
बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।